Hi guys, welcome back to my channel Komal Makeup Vlogs. So guys, today's my topic was कि हम अभी जैसे होली आ रही है तो होली पे हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और हम DIY से कैसे इन सब की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो गाइज अभी जैसे होली आ रही है और होली पे सबसे ज़्यादा हम जैसे रंग से खेलते हैं या गुलाल से भी खेलते हैं, जिनसे भी हम खेलते हैं, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले आपके बाल सबसे पहले डैमेज होते हैं क्योंकि आप जो भी कलर वगैरह होता है आप सीधे जैसे बालों में जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा उससे डैमेज हो जाते हैं. तो इससे क्या करना चाहिए कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो आप अच्छे से मसाज करो कोकोनट ऑयल की. पहला तो ये कि क्योंकि कोकोनट ऑयल जितना नरिश ऑयल कोई भी नहीं होता है, उसके अंदर जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसी और में नहीं होती है. और सेकंड थिंग ये कि कोकोनट ऑयल अगर ऑलरेडी आपके बालों में अब्जर्व है तो वो कलर वगैरह उन सबको अंदर नहीं जाने देगा आपके रूट में और कहीं पर भी आप वो एब्जर्व नहीं होने देगा, तो उससे आपके कलर और उन सबके बीच में एक लेयर बन जाएगी, एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगा जिससे आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे. और जितने भी एक्सपोज एरिया होते हैं लाइक आपका फेस हो गया, हैंड हो गया, तो आप वहाँ पर भी कोकोनट ऑयल अच्छे से लगा लो ताकि आप जब भी बाथ लो या शावर लो तो आपके बालों से बहुत ईजीली कलर निकल जाए और बहुत ईजीली आपको नरिश और अच्छे हेयर्स मिलेंगे. सो गाइज माई नेक्स्ट थिंक वॉज कि अभी जैसे मैं बेयर फेस हूँ, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, बट या आई हैव अ लिटिल बिट डार्क सर्कल्स और एक्नी इशूज़. तो गाइज हम DIY से हम इसे कैसे कंट्रोल करें और कैसे हमारी स्किन अच्छी फ्लॉलेस दिखे, तो जो विटामिन सी होता है उससे एक्ने स्कार्स के साथ साथ में चेहरा ब्राइटन होता है, लाइट होता है और उससे ब्लेमिश हटते हैं. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो विटामिन सी से हट जाती है, बट विटामिन सी के अगर हम सीरम देखें तो मार्केट में मिल तो जाते हैं बट अफोर्डेबल नहीं होते हैं, वो थोड़े से हाई प्राइस पे होते हैं. तो अब हम वो तो हम ऑब्वियसली बात है कुछ जो लोग होते हैं वो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हम DIY कर रहे हैं. तो DIY के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है ऑरेंज पील पाउडर. उसके अंदर विटामिन सी की प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको हम अभी फेस पैक लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा स्किन जो होती है वो कैसे लगती है. गाइस मेरे पास अभी ऑरेंज पील पाउडर है और ये ऑलमोस्ट 1.5 स्पून होगा, 1.5 चम्मच है इसके अंदर. तो अभी आप इसको घर पे भी बना सकते हो और आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से बहुत इजीली मिल जाएगा, लोकल मार्केट पे बहुत इजीली मिल जाएगा, बट मैं आपकी इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और इसके साथ में हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर, क्योंकि जो मैं यहाँ पे डाबर का रोज़ वाटर ले रही हूँ क्योंकि रोज़ वाटर हमारी स्किन को थोड़ा सा ठंडा करता है और हमारे पोर्स को भी ओपन करता है जिससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो अभी हम फटाफट इसको ऐड कर देते हैं, बहुत ईजीली है. आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हो और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर कर्ड मिक्स कर सकते हो. तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ. ओके, तभी मैं इसको लगा दे रही हूँ. उसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम कर लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे. तो आप देख सकते हो मेरे को है डार्क सर्कल्स काफ़ी अच्छे से. आप हाथ से भी लगा सकते हो बट मैं आप पे, और इसका कलर येलो है, इट मीन्स नॉट कि ये कोई भी आपको स्किन पे कलर करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा. इसको 5 to 10 minutes तक आपको लगा के इसको वॉश कर लेना है. गाइस तो अभी 15 minutes हो गए हैं और ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, तो मैं इसको फटाफट वॉश करके आ जाती हूँ.
गाइस मैंने अभी वॉश कर लिया है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज होके दिखाती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई है यहाँ से, और उसका रेड होने का ये है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सो दैट्स वाई, इसलिए बहुत ज़्यादा भी रेड हो गई है मेरी स्किन। मेरी स्किन एक्चुअली यहाँ से बहुत ज़्यादा ही रेड हो रही है, दैट्स ओके, ये थोड़े टाइम में हट जाएगा रेडनेस इसके। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी स्किन एकदम बेटर हो गई है, बट बिफोर एंड आफ्टर आप खुद रिजल्ट देख सकते हो, और इसको अगर आप वीक में ट्वाइस टाइम करोगे तो आपको विटामिन सी के साथ साथ में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा यू नो पर्ल पर्ल दिख सकती है। सो या आई होप सो गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू।